बजे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। प्रशासन पर भारी अतिक्रमणकारी। नागपुर शीत सत्र अधिवेशन के दौरान प्रशासन विधानसभा परिसर समेत आसपास के पूरे क्षेत्र को सील कर देता है, इससे आम नागरिकों को भारी परेशानी होती है। दूसरी ओर बाकी के 11 महीने यहां डेरा जमाए अतिक्रमणकारियों के कारण आसपास का क्षेत्र लावारिस और परेशानी झेलता हुआ नजर आता है। इससे साफ हो गया है कि प्रशासन की नजर में भले ही आम नागरिकों को कितनी भी परेशानी हो, लेकिन यहां जमे अतिक्रमणकारियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कई वर्षों से यहां अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमाए रखा है। हाल ये है कि इन्होंने नागपुर के राजा यानी गोंड राजे बख्त बुलंद शाह की शान में चौक पर बने स्मारक को भी नहीं छोड़ा है। शानदार प्रतिमा के साथ सौंदर्यीकरण किए गए इस चौक की रेलिंग पर इनके कपड़े सूखते हैं। यहाँ से गुजरने पर एक बार लगता है कि प्रशासन ने ये चौक बख्त बुलंद शाह की शान में बनाया या फिर अतिक्रमणकारियों के कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर महानगर पालिका मुख्यालय है। पूरे दिन महापौर से लेकर मदपा आयुक्त समेत विभिन्न समितियों के सभापति पार्षदों का इस चौक से गुजरना होता है, लेकिन इस चौक की रेलिंग पर सूख रहे कपड़ों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का हर पुलिसकर्मी ये बात जानता है कि इस क्षेत्र में पूरे दिन गांजे के कश लगते रहते हैं। यहाँ से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालक हो या पैदल चल रहे नागरिकों के न चाहते हुए भी गांजे का धुआं उनकी सांसों में समाता रहता है। इसके पीछे ही सीताबर्डी जोन का ट्रैफिक पुलिस कार्यालय है। बावजूद इसके यहाँ के अतिक्रमणकारियों को किसी का डर नहीं, वे डंके की चोट पर यहाँ अपने नशे की धुन में डूबे रहते हैं। कुछ तो इस क्षेत्र को अपना स्थायी निवास बना चुके हैं और डंके की चोट पर अपने कबूतर जैसे पक्षी पालने में लगे हैं। प्रशासन द्वारा नागपुर में होने वाले शीत सत्र के दौरान जैसे अतिक्रमणकारियों पर व आसपास के इलाकों पर ध्यान दिया जाता है, वैसे ही साल भर दिया जाए तो शायद नागपुर को स्वच्छ एवं सुंदर तथा अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने का सपना सच हो जाए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार। मास्क पहन के सबसे 6 फीट की दूरी रख के आधे घंटे से राशन के लिए खड़ा हूँ और उसके ठीक सामने ये बेवकूफ अपना मास्क उठा के खुले आम सबको थूक के बीमारी देने की कोशिश कर रहा है। ये सॉरी वो आदत पर मास्क पहन। कोरोना थूकने से फैलता है थूकी चंद। अबे सही नाम है, सभी थूकने वालों को थूकी चंद कह के बुलाना चाहिए। ए थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद, थूकी चंद मत बनिए। अपनी बुरी आदतों को बदल के कोरोना की इस लड़ाई में देश की मदद कीजिए। जय हिंद।